सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक का वॉर अपडेट। आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन को खुद एक बड़ा झटका फिर से लग गया है। जब से ये जंग चल रही है, व्लादिमीर पुतिन के करीबी अचानक से मारे जा रहे हैं। कोई अपनी खिड़की से गिर जा रहा है, तो कोई किडनैप कर लिया जा रहा है, कोई गायब हो जाता है, किसी की कार में धमाका किया जाता है और ऐसे ही पुतिन के करीबियों की लगातार मौत हो रही है। इसी बीच में रूस के सबसे ज़्यादा अमीर और बड़े व्यक्ति की लिस्ट में आने वाले जो सातवें अमीरी रूसी थे, जो व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीब थे, जापान में अपनी नाव से, बोट से पता नहीं कैसे गिरकर समंदर में डूब कर मर गए। पहली बात तो इतना बड़ा आदमी अपनी बोट पर अकेला था और वो गिर कैसे गया? ऐसी बात तो नहीं होगी कि पहली बार वो बोट पे बैठा हो, और इतने बड़े आदमी होने के बाद उनको क्या तैरना नहीं आता था? जबकि विदेशों में तैराकी सभी को आती है, 90% सभी को आती है, रशिया में सभी को आती है ज़्यादातर। अब आप सोच के देखिए कि ये कितनी बड़ी साजिश चल रही है। व्लादिमीर पुतिन को अब तक का लगा हुआ ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। अभी तक जितने लोगों को एक एक करके मौत आई है या उनको मारा गया है रहस्यमय तरीके से, जानकारी के लिए बता दूं, वो सभी तेल के मालिक थे, तेल के कुओं के, समझ लीजिए तेल के फैक्ट्रियां हैं, किसी कोई तेल की कंपनी का CEO है, डायरेक्टर है, चेयरमैन है, भाई बड़े लेवल का, बड़े बड़े पोस्टों पर ये मौजूद थे, जिनकी लगातार पिछले कई दिनों से मौतें हो रही हैं और पुतिन को झटके पे झटका मिल रहा है। वहीं अमेरिका ने व्लादिमीर पुतिन पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। अमेरिका की रिपोर्ट के द्वारा इल्ज़ाम ये है कि $300 मिलियन 2014 से अब तक रूस ने अलग अलग देशों में सिर्फ इस वजह से इन्वेस्ट किए ताकि दूसरे देशों की पॉलिटिक्स को गिराया और ख़राब किया जा सके। अब इसकी पीछे की वजह क्या है, वो US की रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन अमेरिका ने रशिया पर बड़ा इल्ज़ाम थोप दिया है। रूस के समर्थक सर्बिया ने कोसोवो के बारे में बड़ी जानकारी दी। सर्बिया ने क्लियर कट ये बात कही है कि कोसोवो के साथ कभी भी जंग हो सकती है। सर्बिया के PM ने कहा कि बॉर्डर पर उकसाने वाली कार्यवाही कोसोवो कर रहा है, कभी भी जंग छिड़ सकती है। कोसोवो और सर्बिया के एक बार फिर से हालत ख़राब है। वहीं क्रीमिया पर रशिया का कब्जा है, वहीं पर क्रीमिया में वोटिंग होने वाली है, चुनाव होने वाले हैं। यूरोपीय यूनियन ने क्लियर कट कह दिया है कि हम यहाँ के जो भी चुनाव के रिजल्ट होंगे हम उसको मानेंगे ही नहीं। वहीं यूक्रेन के इरादे बेहद खतरनाक होते नज़र आ रहे हैं। 190 माइल्स की दूरी तक मार करने वाली यानी लॉन्ग रेंज मिसाइलें अमेरिका से मांगी है, रिक्वेस्ट की है कि आप हमको लॉन्ग रेंज मिसाइलें दो। एक्सपर्ट का कहना यह है कि यूक्रेन के इरादे बेहद खतरनाक हैं, वो रूस के अंदर तक हमला करना चाहता है। वहीं आपको बता दूं, बैंक ऑफ अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रशियन बेस्ड जो बैंकर्स हैं उन सबको रूस से हटाकर दुबई शिफ्ट कर दिया। वहीं आपको बता दूं, ये बड़ी खबर हो सकती थी लेकिन अभी अभी आई है मेरे पास, अगर ये पहले आती तो टाइटल पर यही होता। यूक्रेन के कई इलाकों से रूस जो पीछे हटा है उससे उल्टा अमेरिका और नेटो टेंशन में नज़र आए हैं। नेटो और अमेरिका के लीडर ने ये बात कही है, चीफ ने ये बात कही है, नेटो के रिपोर्ट पूरी जारी करी है कि यूक्रेन के कई इलाकों से जिस प्रकार से रशिया अपनी मर्जी से भी पीछे हटा है, रशिया अब आगे न्यूक्लियर हथियारों के साथ आ सकता है, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं रूस के क्रेमलिन ने क्लियर कट कह दिया है कि कई अलग अलग जगह से तो हम यूक्रेन के पीछे हटे हैं लेकिन ज़ैपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम पीछे नहीं हटेंगे। भाई साहब, यूक्रेन के किसान भी एकदम ज़बरदस्त तरीके के भौकाल काट रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर इस व्यक्ति को देखिए, ये नाराज़ है, ये किसान है यूक्रेन का। इसने मीडिया को बताया है कि मैं अपने दम पे रूसी सैनिकों के एक टैंक को अपने ट्रैक्टर में बांध कर घसीट कर लेके आया अपने घर में। तो यूक्रेन की 39th बटालियन मेरे घर आती है, ज़बरदस्ती
उस रशियन टैंक को मुझसे छीन के ले जाती है। बताइए ये मेरी मेहनत है? मैं अपनी जान हथेली पे रख के रूसी टैंक को घसीट के लेके आया कि मैं अपने आंगन में सजाऊंगा, और ऐसे कैसे यूक्रेन की सेना मुझसे टैंक ले गई घसीट के। भाई साहब किसानों का अलग चल रहा है भाई। वहीं आपको बता दूं कि रूस पर बड़ी पाबंदी एक और लगाई जा चुकी है, यानी रूसी नागरिकों को अब वीजा देना बंद किया जा चुका है। रूस के नागरिकों की हालत बुरी है। रूस की मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि कुछ देश हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वीजा के लिए एक्सेप्ट करना रूसियों के बंद कर दिए हैं, जिसमें लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, चेचक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, डेनमार्क, बेल्जियम और नेदरलैंड। इन देशों ने वीजा के लिए डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया है। इसके अलावा बता दूं एक बार फिर से, अभी भी रूस को कई इलाकों से पीछे हटना पड़ रहा है। आज की तारीख में यूक्रेन ने रूस से 3 और बड़े इलाके खाली करवाकर वहां पर जो है यूक्रेन का झंडा लहरा दिया। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, उन तीनों एरिया का नाम, पहला है लिप्सी, दूसरा है हेलबॉग और तीसरा है स्टेलचा। जी हाँ, पूरी तरह से इसको आज़ाद करवा लिया गया है। वहीं रूस के खिलाफ एकजुटता होती जा रही है और रूस को तोड़ने के लिए सारी शक्तियां एक हो गई हैं। आपकी स्क्रीन पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर, नाटो के सेक्रेटरी जनरल एंडर्स फॉग रेसुमेसिन पहुंचे हुए हैं यूक्रेन, और यूक्रेन के सैनिकों समेत यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी उन्होंने मुलाकात करके काफ़ी अहम अहम मुद्दों पर बातचीत करी। यूक्रेन की 59th बटालियन काफ़ी ज़्यादा रूस पर भारी पड़ रही है। रूस के टैंक फरार हो रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन भागते हुए टैंक को भी यूक्रेन की 59th बटालियन ने निशाना बनाकर धूम उड़ा दिया। दूसरी तरफ खारकीव के इलाके में वोसांच के गांव में यूक्रेन के सैनिकों ने रूस का झंडा जला दिया। यूक्रेन की एक और जगह है लुपियांस्क, जहां पर रूस का कब्जा था। रूसियों को वहां से यूक्रेन के द्वारा भगा दिया गया है, और उसके बाद उस इलाके की तस्वीर ऐसी है। Як справжнє пекло. Нема нічого цілого. Так тільки вижений землі. Уроди йобані. Досто, अभी तक वॉर अपडेट में इतना ही। आज फिर देर रात आऊंगा आपके सामने और भी कई सारी ताजा जानकारियों के साथ। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में इसी तरह से आपको मिलती रहे। जय हिंद।